वेलकम 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 दोस्तों की हाँ चल मैं आ गया हूँ वापस एक और चेस वीडियो के साथ। बिल्कुल, और आज हम फिर से खेलने वाले हैं चेस और देखते हैं कैसा रहता है आज की ये वीडियो। थ्रेट देते हैं यहाँ पर, वो इसको यहाँ पे लाएगा। ओके, काफी अलग सोच, मुझे प्रोफेशनल लग रहा है भाई। अब मैं क्या चलूं, कुछ ऐसा कर लूं। ओके, तो देखते हैं कौन ये गेम जीतता है। ओके, नाउ व्हाट यू आर डूइंग, वो सब छोड़ो, मैं चेक मारता हूँ। A few inches later. हमारे पास से पावर जा चुकी है, इसके पास बस ये रह गया और ये अपना वो प्रमोट करने भी चला गया है। हम भी चलते हैं। अभी ये क्या हो, उसे वो चाहता है क्या मैं जीत जाऊं? अच्छा खासा उसके पास ये मूव था यार, उसने ये चल दिया पता नहीं क्या। एपिक मोमेंट ऑफ द हिस्ट्री गाइस, एपिक मोमेंट ऑफ द हिस्ट्री। चलो चलो चलो। ओके, आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स टू डू। वो कुछ नहीं कर सकता। आई एम इन द वाइट ब्लॉक। मेरे पास टाइम बहुत ही कम है अगर आप देख रहे हो तो। फिलहाल वो मेरी क्वीन को अब कुछ नहीं कर सकता, क्वीन मेरी वहीं पे रह सकती है जहां पे वो है। ओके, लेट्स मेट हर। हर क्यों कहा मैंने, है तो वो। ओके, एक कहानी सुनाऊं क्या तुम्हें? तुम कह सकते हो कि ये घोस्ट स्टोरी टाइप है। तो क्या हुआ था, मैं अपनी दादी के घर गया था। मैं बहुत छोटा था तब, बहुत ही ज्यादा छोटा था शायद। तो दादी के घर के पास में ही थोड़ा कुछ 500 मीटर जाकर एक मंदिर होगा, है अभी भी। तो जब हम आए थे उस दिन हम उस मंदिर में गए नहीं थे, लेकिन जब मैं रात को सो रहा था उस दिन, रात को सभी सोते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो बेड है और मैं उस पर लेटा हूं, वो बेड उड़ के उस मंदिर की तरफ जा रहा। और बहुत ही हैरानी वाली बात ये थी कि आई कैन फील द विंड। मुझे ठंडी सी महसूस हो रही थी, मुझे पता चल रहा था कि आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। मैं जागा हुआ था लेकिन जागा हुआ भी नहीं था एक तरह से, ऐसा समझ लो। और मुझे हमेशा से सपना लगता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जो जो मैंने उस सपने में देखा था, लाइक द पेंट ऑफ जो भी उस मंदिर पे पेंट था और जो भी आसपास का माहौल था, जब मैं अगले दिन वहां गया
तो वो बिल्कुल ही सेम था, एग्जैक्ट सेम। काफी लोग इस चीज को नहीं मानते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सपना ही होगा। और मुझे भी आज तक ये सपना ही लगता, बट जैसे जैसे मैं अभी ग्रो कर रहा हूँ, मुझे पता चल रही हैं चीज़ें। तो जब आप एक पॉजिटिव एनर्जी को फॉलो करते हो, एक स्पिरिचुअल वे में जाते हो, तो आपको नेगेटिव चीज़ें भी महसूस होती हैं, आपके पास नेगेटिव एनर्जीज भी आती हैं, जिनको हम पैरानॉर्मल एनर्जीज भी कहते हैं। तो ऐसा हो भी सकता है, हो सकता है कि ये एक एस्ट्रल ट्रैवल का एक रूप हो, जो कि अक्सर छोटे बच्चों पर ज़्यादा होता है। आपने सुना होगा कि उनके पास चाइल्डहुड की, जो भी लोग भूत की कहानियाँ सुनाते होंगे आपको, उनके पास चाइल्डहुड की कहानियाँ बहुत होती थी, क्योंकि छोटे पर कुछ ज़्यादा ही हमें महसूस होती थी ये सब चीज़ें। और शायद इनका ये भी कारण है क्योंकि हमारे पास कोई प्रेफरेंसेस नहीं होते थे हमें। हाँ, वो अलग ही चीज़ है, अलग ही मैटर है। एक तरह से समझ लो कि बच्चे वो देख पाते थे जो हम नहीं देख पाते, ऐसे ऐसे नहीं। तो शायद वो एक एस्ट्रल ट्रैवल हो, क्योंकि सुबह तक मुझे लगा ये सब सपना ही है, लेकिन आई कैन क्लियरली, मुझे सब कुछ याद है क्लियरली, कि मुझे वो वहाँ पे हवा कैसे चल रही थी, विंड में इतनी ज़्यादा ठंड सी थी, और सब कुछ आसपास का माहौल सब कुछ मुझे याद है। और बिल्कुल रियलिटी होती है जब तुम वहाँ उस चीज़ पे होते हो। लेकिन द प्रॉब्लम इज आई एम ऑल्सो स्लीपिंग इन द ड्रीम। अगर ये ड्रीम है तो मैं ड्रीम के अंदर कैसे सो सकता हूँ? तो आई नो कि आई वॉज स्लीपिंग एंड द बट वो बैट जो है वो उड़ के उस मंदिर की तरफ जा रहा था। एंड आफ्टर जब मेरी ब्रेक, मेरी नींद भी ऐसे ब्रेक हुई, मुझे लगा कि मैं उस पर से गिर गया, जैसे ही होता है कभी कभी होता है हमारे साथ। ये एक हमारा मैकेनिज्म है, जो कि हमारे पूर्वजों का होता था, जब वो पेड़ों पे सोते थे तो उनसे ही वही आया। पेड़ों पे जब वो सोते थे तो वो गिर जाते थे, तो वो मैकेनिज्म हमें अलर्ट हो गया, ताकि हम थोड़े होशियार रहें अपने आसपास के माहौल से। लेकिन जो वो किस्सा मेरे साथ हुआ, वो काफी अभी भी मुझे वियर्ड लगता है, काफी सीक्रेट सी चीज़ें मैंने किसी को नहीं बताया। हो सकता है आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ हो, अगर हुआ हो तो कमेंट्स में जरूर शेयर करना। पर ये बहुत ही अजीब सी बात है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हमारे आसपास होना, ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं कह सकते, लेकिन आज भी टेक्नोलॉजीज बनाई जाती हैं जो नेगेटिव एनर्जीज को पकड़ सके। पिक्चर्स में आप देखते होंगे, और अलग अलग चीज़ों में आपने देखा होगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है। तो वो क्या है वो तो हमें कभी पता नहीं चलेगा, मुझे भी नहीं लगता कि पता चल सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर देखी है मैंने, कि आप जब एक स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ते हो तो नेगेटिव एनर्जीज आपको रोकने की कोशिश ज़रूर करते हैं, और वो चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। जब आप स्पिरिचुअलिटी को स्प्रेड करते हो, उसमें अवेयरनेस पढ़ाते हो, तो कहीं ना कहीं से नेगेटिव एनर्जी आपको रोकने के लिए आ जाती है। और ये सच है, बिल्कुल मैंने खुद ये फील करा। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। अभी नया नया हो तो शायद क्वालिटी अच्छी ना हो वीडियोस की, या फिर आपको लगा वो इतनी ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई, ये सब तो बस ऐसे ही है। लेकिन मेरी मेन चीज़ क्या है, एजुकेशनल कंटेंट बनाना, और उसमें थोड़ा सा फन का तड़का लगा देना, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो, यही मेरा मोटिव है। तो ये चैनल उसी के हिसाब से। और अगर आपको जानो भाई इस चैनल पे होता क्या है, तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है कि क्या क्या होने वाला है या आने वाला है इस चैनल पे, और उससे रिलेटेड वीडियोस भी हैं उसमें, तो वो देखो जाकर। और जितना हो सके उस चैनल को शेयर करो यार, शेयर करो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ इस चैनल के बारे में, क्योंकि जब भी सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं ना, तो मुझे एक मोटिवेशन आता है कि हाँ यार, मुझे इतने लोगों के लिए वीडियोस बनानी है। अभी कुछ हमारे 60 सब्सक्राइबर्स हैं, जल्दी से जल्दी यार 100 कर देते हैं यार इसको। जितना हो सके उतना शेयर करो, प्लीज 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 कर दो ना यार। तब तक के लिए बाय बाय, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी अमेजिंग। एक एलियन डिवाइस का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे गजब हो गया, ये आम बच्चा देखो कितना